नमस्कार, मैं ऑल राइट चैनल से अमरीन झा। मुंबई पीएसजे मीडिया विजन के बैनर तले बन रही फिल्म भाभी माँ में पृथ्वी मिश्रा का किरदार किस तरह का होगा, इस बात का खुलासा फिल्म के कुशल निर्देशक निर्माता जयप्रकाश मिश्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पुरस्कार विजेता डायरेक्टर जयप्रकाश मिश्रा ने बताया कि भाभी माँ में पृथ्वी मिश्रा राम लक्ष्मण के किरदार को अदा कर रहे हैं। अभिनेता निर्माता सुमित कुमार ने बताया कि हिंदी शॉर्ट फिल्म गुड मॉर्निंग ईएमआई में पृथ्वी जी की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है। इस फिल्म को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया और वो हिंदी फिल्म मेरे पापा जो कि जय जी की ही निर्देशन में है, पहले उसे करना चाह रहे थे, इस वजह से पृथ्वी जी ने शुरू में भोजपुरी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर हमने इस सब्जेक्ट और भाषा से ऊपर उठकर बनाई जा रही इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में उन्हें बताया तो वो राजी हुए। हम लोगों ने भाभी माँ के सब्जेक्ट पर काफ़ी मंथन किया है। नदिया के पार जैसी कहानी और संस्कारों को परोसने वाली ये फिल्म होगी, जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग पर हमने 6-7 महीने वर्कआउट किया है। निर्देशक निर्माता जयप्रकाश मिश्रा ने बताया कि इस फिल्म के लिए रानी चटर्जी का लुक टेस्ट हुआ था, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि रानी भाभी माँ का रोल करने के लिए परफेक्ट है। इस मूवी के बाद एक्टर साउथ सिनेमा की तरह गर्व से ये कहेंगे कि वो एक भोजपुरी फिल्म भी कर रहे हैं। हम इस भाषा की फिल्मों की इमेज को चेंज करने की ओर प्रयासरत हैं।